Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 3 history and appreciation of art from 13th century AD to 18th century AD. See this picture, this is Jain miniatures picture. Title Kalpasutra, artist unknown, style Jain mini. Manuscript painting, period 15th century AD and medium tempera on palm leaf. Jain miniature painting were developed all over India from 7th century AD and reached its maturity during 10th century AD and 15th century AD. Jain scriptures like Kalkacharya Katha Tatha Kalpasutra are illustrated with images of Trithankaras like Pashvanath, Neminath and Rishabhnath other. Puri Bharat mein 7वीं सदी ईस्वी से प्रारंभ होकर ये 10वीं सदी तक या हम कह सकते हैं 15वीं सदी एडी तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ और जैन धर्मग्रंथ जैसे कि हम कहते हैं कालकाचार्य कथा तथा कल्पसूत्र को पश्वनाथ नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य तीर्थकार के चित्रों से सजाया गया है और अधिकांश जैन लघु चित्र जो है 10वीं सदी यहाँ पे जैसे लिखा है मोस्ट ऑफ द जैन मिनिएचर वेयर डन ड्यूरिंग 10th सेंचुरी एडी द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ दिस पेंटिंग वेयर पंजाब बंगाल ओरिसा गुजरात एंड राजस्थान मीन्स जो अधिकांश जैन लघु चित्र जो है 10वीं सदी एडी में बने थे और इन चित्रों के मुख्य केंद्र पंजाब बंगाल उड़ीसा और गुजरात तथा राजस्थान में थे दिस मैन्युस्क्रिप्ट आर मेनली मेड ऑफ प्लम लीव्स सो द पेंटिंग आर आल्सो डन ऑन इट्स अलोंग विद द स्क्रिप्ट्स द कलर आर मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल पिगमेंट रेड एंड येलो आर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट शेड अलोंग विद गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स ये जो पंडुलिपियां हम कह सकते हैं या लिखने की तरीका प्रमुख रूप से पाम पत्रों पर लिखी गई थी और इसलिए चित्र भी इन्हें पंडुलिपियों के साथ ही बनाए गए थे चित्रों में जो कलर जो यूज हुए हैं जो रंग है आसपास में उपलब्ध रंगों से बनाए जाते थे लाल तथा पीले रंगों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता था और इन रंगों के साथ साथ जो गोल्डन तथा सिल्वर कलर का प्रयोग किया जाता था इन चित्रों में आगे हम देखते हैं द ह्यूमन फिगर शो सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन दिस पेंटिंग द फेस आर इन प्रोफाइल शोइंग बोथ द आई इन फ्रंटल व्यू दस वन ऑफ द आई हैज गॉन beyond the outline of the face. The torsos of the figure are also in frontal pose. Interestingly, female figures show a lot of ornament and jewelry on them. Lines are given almost emphasis in this painting. So, यहाँ पर हम देखते हैं इन चित्रों में मानवीय आकृति जो है विशिष्ट रूप से दर्शाई जाती थी और जो है इन इन व्यक्तियों को चेहरे की जो रूपरेखा के रूप में या हम बोल सकते हैं उनकी जिसमें उनकी आंखों का जो सामने का दृश्य दिखाई देता था इसी कारण इनकी एक आंख चेहरे की रूपरेखा से बहुत दूर बाहर की ओर दिखाई देती थी आकृति के मुख्य भाग भी बहुत ही सुंदर होते थे स्त्रियों की जो आकृति होती थी वो बहुत गहने जवाहरात पहने हुए होती थी इन चित्रों में रेखाओं को विशेष महत्व दिया जाता था नेक्स्ट है हियर इज द पेंटिंग फ्रॉम कल्पसूत्रा अ जैन
book of rituals. The compositions of this painting space is divided into few squares and rectangles. The figure of man and woman and animals are set against red background. Each segment of format is outlined with yellow colors. Each segment narrates a different sequence of story of Kalpasutra. The gold and ultramarines are derived from gemstones. The style is full of folk elements like flatness of the form, stereotypes, expression, and lack of perspective. In spite of that, the artist's observation of architectural pattern and textile design is very interesting. So, जो कल्पसूत्र जो है जैन धर्म की विधियों की पुस्तक में एक चित्र है. इस चित्र का समस्त स्थान कुछ आयतों यानी कुछ लाइंस में तथा चक्रों में यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यानी कि आयत आकार और चौकोर आकारों में बांट दिया गया है. पुरुषों स्त्रियों तथा पशुओं का चित्रण जो है लाल रंग की उसका बैकग्राउंड है में किया गया है. पीले रंग से प्रत्येक खंड को दिखलाया गया है और प्रत्येक खंड में कल्पसूत्र की कहानी का अलग अलग कथाक्रम वर्णित है. जो गोल्डन जो है वो सामूहिक रंग के कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है. ये शैली पूरी तरह लोक शैली पर केंद्रित है जहाँ आकार में चटपटापन है तथा अभिव्यक्ति रूढ़िवादी है जिसमें परिदृश्य का अभाव है. इसके बावजूद कलाकार की वस्तुकला के प्रतिमानों तथा कपड़ों की अभिकल्पना का आंकलन विशेष रूप से दिलचस्प है. द फ्लुएंट लाइन फॉर कंटूर्स एंड यूज ऑफ डेकोरेटिव डॉट एनहेंस द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग. प्रभावकारी रेखाएं तथा शरीर की रेखाओं का बिंदुओं से प्रयोग इन चित्र के सौंदर्य को बढ़ाता है. नेक्स्ट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.